ओम श्री सायराम गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन बट आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रेशो ठीक है तो रेशो होता क्या है रेशो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड हम कह सकते हैं कि ये हमारी दो क्वांटिटीज़ के बीच में दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन होता है ठीक है सपोज जहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा है देयर आर थ्री टाइंगल्स एंड टू स्क्वेयर्स देखो है तो दो चीज़ें ना टूड़ी शेप है दोनों ये ट्राइंगल्स हैं दीज आर स्केयर्स हम इन दोनों के बीच का कंपैरिजन निकालेंगे तो हम इसको रेशो में कैसे लिख सकते हैं थ्री रेशो टू मीन ट्राइंगल्स की रेशो स्केयर्यर्यर्यर्यर्यर्स के साथ जी हम हम इसको ऐसे बोल सकते हैं थ्री टू टू और थ्री बाई टू भी बोल सकते हैं ठीक है रेशो को लिखने के थ्री वेज हैं एक तो हम उसको ऐसे डोट लगा सकते हैं देन उसको टू लिखेंगे और एक उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ठीक है ध्यान रखना अपने रेशो को लिखने के थ्री वेज हैं ओके तीन तरीके हैं जब भी हम रेशो लिखते हैं जी देखो ए रेशो बी इसको बोलेंगे कैसे ठीक है जी लिखे ना आपके पास ए रेशो बी इसको हम कैसे बोलेंगे दिस इज़ रीड कैसे करेंगे ए टू बी सबसे पहले ध्यान रखना है जब भी बीच में डोट लगे हैं इसको हम बोलेंगे ए टू बी ठीक है इसका जो ये वाला पार्ट होता है आगे वाला इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट और ये वाला क्या होता है कॉन्सिक्वेंट अगर मैं इसमें पूछूँ ए क्या है एज एंटीसीडेंट एंड लास्ट नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर दैट इज़ कॉन्सिक्वेंट है ना क्योंकि हम रेशो को तीन टाइप से लिखते हैं वो तीनों तरीके जहाँ पे दे रखे हैं रेशो भी है ठीक है देन इसको हम टू भी बोलते हैं ओके तो इसको फ्रैक्शन में भी बोलेंगे ठीक है अगर टू में है तो अगले वाले पार्ट को हम एंटीसीडेंट बोलेंगे उसके पीछे वाले को टू के जो लास्ट में होगा उसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट ओके बेटा ध्यान रखना है आपने देन इस क्वेश्चन में देखो जैसे फर्स्ट में लिखा है द रेशो ऑफ रेड टू ब्लू तो रेड कितने हैं थ्री जो टू टू से पहले होगा ना उसको हम पहले लिखेंगे जैसे जी थ्री रेशो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा थ्री रेशो वन ओके और इसमें देखो इसमें पूछा क्या गया द रेशो ऑफ ग्रीन टू तो ब्लू ग्रीन कितने हैं वन और ब्लू कितने हैं फोर जो बेटा टू से पहले लिखा ना वो नंबर हमने पहले ही लगाना है ठीक है जैसे इसमें देख लो रेशो ऑफ ग्रीन टू रेड ग्रीन कितने हैं टू रेशो थ्री इसमें द रेशो ऑफ रेड टू ब्लू टू ग्रीन रेशो ऑफ रेड कितना है वन टू ब्लू ब्लू कितने हैं रेशो टू ग्रीन कितना है अगेन वन देखो यही लिखा है ना आंसर में यही लिखा हुआ ना ठीक है बेटा अब ऐसे ही करना अपने रेशो का ध्यान रखना इसमें देखो इसमें सारे क्वेश्चन रेशो के ही बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये देखो ये हमारा टोमेटोज एंड अनियंस के बीच में बोला रेशो रेशो निकालो रेशो ऑफ टोमेटो टू अनियन कितने हैं काउंटिंग में देखो फोर तो फोर रेशो ये थ्री है फोर रेशो थ्री ठीक है इसमें ब्लू जग है और ये आई थिंक येलो कलर में ग्लास है तो इसको हमने रेशो निकालनी है तो टू रेशो एट और टू रेशो एट मतलब अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे टू बाई एट तो ये हो जाएगा वन बाई फोर ठीक है तो तभी यहाँ पे लिखा हुआ है वन रेशो फोर भी बोल सकते हैं ठीक है बेटा इनको ध्यान से देखना बहुत ईजी क्वेश्चन है ओके आप इनको करोगे तो आ, अच्छे से आपको आ जाएंगे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको और क्लियर होगा ठीक है आपको मैं इसकी पिक सेंड कर देती हूँ जहाँ से देखा अपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट भी कर लेना है ओके बेटा साई राम